दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है और अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है इनएक्टिव है, चाहे आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक हो लिंक ना हो, दोनों ही पैन कार्ड को दोस्तों वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को वेरीफाई नहीं करते हैं और आपका पैन कार्ड इनएक्टिव होता है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं पर भी उपयोग में नहीं ला सकते। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों पैन कार्ड को वेरीफाई करना कितना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से। तो कैसे वेरीफाई करना है पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर पैन ई फिलिंग लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे आप ये लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहला लिंक, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो क्विक लिंक दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो वेरीफाई योर पैन का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर 3 स्टेप में दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करना है, अपना जो पूरा नाम है पैन कार्ड में उसे दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने पैन कार्ड बनाते समय दिया था, फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है, वही OTP दोस्तों आपको बिल्कुल सही यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना जो OTP है उसे डाल लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद वैलिडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पैन कार्ड है ये एक्टिव है और जो आपके डिटेल्स है वो पैन कार्ड के रिकॉर्ड में है, मतलब कि उनके रिकॉर्ड में आपका जो डिटेल्स है वो अवेलेबल है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कि जो आपका पैन कार्ड है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर यहाँ पर दोस्तों रेड कलर में पैन इज इनएक्टिव लिखा हुआ आता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव है, आप उसे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका पैन कार्ड एक्टिव है, आप अपने पैन कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। जिसके पास पैन कार्ड है उसे जरूर से जरूर दोस्तों यह काम कर लेना चाहिए, यानी कि अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। शेयर इसलिए करना क्योंकि जिसको नहीं पता है कि पैन कार्ड को कैसे वेरीफाई करना है वो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखकर अपना पैन कार्ड वेरीफाई कर पाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।